नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पीछे स्टॉक्स के रिव्यू किए थे, अभी आज फिर हम लोग कुछ तीन काउंटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रीवियसली भी रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से इनमें जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। पैनिक सिचुएशन में हैं लोग। बट दोस्तों देखिए, जनरली हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस की जो बात करते हैं वो इसी पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए होता है, क्योंकि जब भी कभी मेजर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है उसका मतलब होता है कि कुछ बड़े फॉल्स वेट कर रहे हैं काउंटर के अंदर, और अब हमें आगे काफ़ी डीप देखने को मिल सकती है। खैर, आज के जो स्टॉक्स हैं, अशोक लेलैंड, प्रकाश इंडस्ट्रीज़ एंड भंसाली इंजीनियरिंग, इन तीनों के बारे में हम लोग बात करते हैं और समझते हैं कि ये तीनों ही काउंटर्स आगे क्या चाल दिखाने वाले हैं और इनमें अभी हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अशोक लेलैंड से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द ट्रायंगल फॉर्मेशन ऑलमोस्ट अशोक लेलैंड के अंदर, और यहाँ से अगर हम लोग वीकली चार्ट की बात करते हैं, जब अशोक लेलैंड ने तकरीबन 17 नवंबर 2017 उसी वक्त से स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट चलना, जब अच्छे तेज़ी के दौर रहे थे। और हालांकि वो तो अशोक लेलैंड तो हम पिछले सालों से बात करें तो काफ़ी अच्छा चलता चला आया है, और 21 अप्रैल से ही इसने एक अच्छी तेज़ी का दौर स्टार्ट कर दिया था। बट हम यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, 17 नवंबर 2017 से लेके और अब एक साल ऑलमोस्ट हो चुका है, नवंबर टू नवंबर और दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, तो हमने इसका एक पूरा एक साइकिल क्रिएट हो चुका है जिसका हमने एक चार्ट बनाया है। और यहाँ से इतना हमने पीक को हिट किया तकरीबन 167, और वहाँ से ये काउंटर गिरना शुरू हुआ, और वापस ये काउंटर अब दिसंबर 7 तक अपने लो यानी कि 102 के लेवल पर आ चुका है। ओके, 102.9 की आज की क्लोजिंग है, ये हफ्ता क्लोज हो चुका है, वीक एंड हो चुका है, एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड अ न्यू वीक विल बी स्टार्ट। ओके, सो अब मंडे ऑनवर्ड काउंटर में क्या होने वाला है, तो दोस्तों देखिए, हमने जैसा कि हमने कल देखा, कल यानी कि थर्सडे के सेशन में लगभग मार्केट में 180 पॉइंट की डिप आई थी, लेकिन स्टॉक ने 100 रुपीज़ के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी और 101 के ऊपर ही ट्रेड करता रहा। उसके बाद हमने आज फिर देखा, अगर हम लोग देखेंगे, आज फिर देखा हमने कि लगभग काउंटर ने 102-103 की रेंज में ही ट्रेड किया। ओवरऑल पूरा वीक का अगर हम देखेंगे, पूरे हफ्ते में काउंटर ने 101 रुपए के लेवल को स्ट्रांगली होल्ड किया पूरी तरीके से। मार्केट में एक अच्छी डिप मिली थर्सडे वाले दिन, जो कि 180 पॉइंट की गिरावट थी निफ्टी में, लेकिन अशोक लेलैंड ने कहीं पर भी 101 के लेवल को नहीं तोड़ा। अब क्या होगा, इन केस अगर अशोक लेलैंड 100 रुपए के नीचे की कमिंग वीक में गिरावट दर्ज कराता है या 100 रुपए से नीचे जाता है, देन आपको 96 और 90 तक के लेवल अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकते हैं, एंड दैट विल बी द बेस्ट बाइंग लेबल्स 96-95 के आसपास, एंड उससे नीचे आया तो लगभग 90 रुपीज़ के आसपास। क्योंकि अगर देखिए 90 रुपीज़ से भी नीचे टूट गया काउंटर, तो फिर काउंटर में आपको लगभग 70 से 80 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। सो जो नेक्स्ट गुड इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थे, अगर 100 रुपए के नीचे की क्लोजिंग आती है अशोक लेलैंड के अंदर, तब आपको 96 के और 90 के लेवल मिल सकते हैं। बट जब तक कि अशोक लेलैंड वीकली 100 रुपीज़ के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता, यानी वीकली चार्ट पे अशोक लेलैंड की क्लोजिंग 100 रुपीज़ से ऊपर रहती है, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं निफ्टी ऑटो की, जिसकी हमने कल भी बात की थी, और निफ्टी ऑटो में भी अगर हम देखेंगे तो हमें लगता है कि कुछ स्टिल स्मॉल करेक्शन इज स्टिल ड्यू इन द यू नो निफ्टी ऑटो सेगमेंट, और मुझे लगता है कि जो सपोर्टेबल रहेगा लगभग 87-26 और 87-20, तो लगभग 150 पॉइंट की वीकनेस लगभग हमें ऑटो इंडेक्स में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से अशोक लेलैंड हो सकता है कि फिर 2-2.5 रुपये या 3 रुपये की गिरावट दर्ज कराए और लगभग 100 रुपीज़ के आसपास अपना जो भी बॉटम फॉर्मेशन है वो करे इसका आगे। तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 100 रुपीज़ का थोड़ा सा आप और लगा लीजिए, 99 रुपीज़ 50 पैसा मैं आपको बोलूँगा, आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाइएगा वीकली चार्ट पे। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, 99.5 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो 90-92 रुपीज़ के लिए आप लोग एग्जिट करके निकलेंगे। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोग हफ्तेवार 10 दिन या 15 दिन के लिए ट्रेड इनिशिएट करते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं, अगर 99 के नीचे की क्लोजिंग आती है, देन आप 90 से लेके 94 या 95 के बीच में जो भी लेबल मिले, आप वहाँ पर अपने पोजीशन को एवरेजिंग डाउन करेंगे, मतलब और बाइंग करेंगे कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ को,
और वहाँ से एवरेज हो जाएगा आपका स्टॉक, ठीक है। लॉन्ग टर्म में लगभग अगले एक साल में काउंटर दोबारा से लगभग लगभग 160 से 170 रुपए के प्राइस आपको दिखाएगा अगले एक साल में 12 महीने के अंदर। तो ये अशोक लेलैंड के बारे में था। बंसाली इंजीनियरिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, दोस्तों इसके बारे में क्या कहूँ, फंडामेंटली काउंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस भी काउंटर का कोई एज सच ख़राब नहीं है, बट कहते हैं कि जब सेंटीमेंट्स वीक होते हैं, जब वीक सेंटीमेंट होते हैं, तब आप चाहे आप भंसाली इंजीनियरिंग हो, चाहे आप DHFL हो, चाहे आप यस बैंक हो, चाहे आप एनी अदर कोई भी काउंटर हो, जब भी इन्फीबीम हो, जब भी आप इस तरह की वीकनेस देखेंगे, जब भी आप यू नो सेंटिमेंटल फॉल देखेंगे, यू नो वक्रैंगी को आपने देखा, पीसी ज्वेलर को आपने देखा, तब आपको एक बड़ी गिरावट मिलेगी। लेकिन उनका एक ही तरीका होता है, आपको सपोर्ट लेवल मेंटेन करना। जब तक आप सपोर्ट्स के साथ खेलेंगे तब तक, और जब आपको याद होगा मैंने भंसाली इंजीनियरिंग जब सजेस्ट किया था अब से एक साल पहले 2017 की सितंबर में, तब मैंने 112 रुपए के आसपास इस काउंटर को सजेस्ट किया था आपके साथ, और वहाँ से मैंने आपको मैक्सिमम 5 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस बताया होगा। आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, कोई भी वीडियो डीलिस्ट नहीं हुआ है, भंसाली इंजीनियरिंग का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, तब लगभग 112 से 115 रुपए की रेंज में ये काउंटर हुआ करता था, तब मैंने आपको ये बताया था, और वहाँ से काउंटर ने अपना हाई टच किया था लगभग 224, यानी कि आज सितंबर में मैंने बताया था, जनवरी तक लगभग ये अप्रैल तक इस काउंटर ने 224 रुपए का लेवल हिट कर दिया था, यानी कि तकरीबन 4 से 5 महीने में ही इसने आपको 100% का रिटर्न दिया था, ओके। देन उसके बाद कंटिन्यूस फॉल आया काउंटर में, और काउंटर ने अपने लो बनाते हुए कुछ वीकनेस, कुछ ऑयल क्रूड के दाम इतने ज़्यादा हाई चले गए थे कि 80-84 के आसपास क्रूड चला गया था, वहाँ पर एक वीकनेस बढ़ती चली गई, ऑयल सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स के अंदर जो वीकनेस देखने को मिली, उसी की कारण है, उसी की वजह है कि काउंटर ने अभी जो मजबूत सपोर्ट जोन था वीकली 74 का, उसको भी तोड़ दिया, यानी कि 74 एक मजबूत सपोर्ट था जिसके नीचे तोड़ दिया, एंड सडनली आपने देखा कि 64 का लेवल भी हमें एक या दो दिन के अंदर ही मिल गया। 74 के अब ठीक क्लोजिंग हुई थी 74.20 को 30 नवंबर को के हफ्ते में, यानी कि 30 नवंबर के वीक में अगर हम लोग डेली चार्ट की बात करते हैं तो ये आपका 69 रुपीज़ का लो लगाया था 29 नवंबर 2008 को, 71.95 की क्लोजिंग दी थी, तो आपको यहीं पर एग्जिट करना चाहिए था क्योंकि 74 की क्लोजिंग आ चुकी थी, ठीक है, और 74 की क्लोजिंग के नीचे हमें एग्जिट लेना चाहिए था। नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल आता है इसका, वो लगभग 52 से लेके 55 रुपीज़ का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वीकली चार्ट पे भंसाली इंजीनियरिंग का। अगर इसने वहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया तो फिर नेक्स्ट ये लगभग 50 रुपीज़ से नीचे, यानी कि 45 के आसपास सपोर्ट लेगा। सो लेट्स सी कहाँ पर ये आकर सपोर्ट देता है, बिकॉज अभी कोई बहुत बड़ा सपोर्ट जो नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं बड़े सपोर्ट की बात करता हूँ तो बड़ा सपोर्ट तो दोस्त 37-38 की रेंज में बैठता है यहाँ पर आके, ठीक है, पर जो छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं उनमें हम लोग बात कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट लगभग मुझे लगता है 52 से 54 के बीच में एक सपोर्ट लेवल है छोटा सा, जहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है अगर केमिकल और जो भी पेट्रोकेमिकल सेक्टर है इनमें अगर कुछ तेज़ी दिखती है हमें, ग्लोबली सेंटिमेंट इम्प्रूव होते हैं तब। फिलहाल भंसाली इंजीनियरिंग में वीकनेस है, मैं भी एवरेजिंग की भी सलाह नहीं दूंगा। जिन लोगों के पास अभी होल्डिंग है, पोजीशन है, मैंने उन सभी को 74 रुपी का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बताया था कि 74 के स्टॉप लॉस के साथ बनिएगा, अगर 74 के नीचे की क्लोजिंग आए तो एग्जिट कीजिएगा। नाउ अब 64 है, तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को मैं क्या नेक्स्ट लेवल बताऊं, बट यहां से मुझे नेक्स्ट लेवल जो नज़र आता है वो फर्स्ट 58 रुपीज़ का सपोर्ट है स्मॉल, 58 रुपीज़ के नीचे जाएगा देन 50-52 रुपीज़ का टारगेट आपको भंसाली इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा। सो आपको अपनी रिसर्च करनी है, आपको अपना जो भी डिसीजन फॉर्मेशन करना है वो इस बेसिस पे करना है कि जो नेक्स्ट लेवल है भंसाली इंजीनियरिंग में 58 से 59 रुपीज़ का है, और उसके बाद 52 रुपीज़ नेक्स्ट टारगेट रहेगा भंसाली इंजीनियरिंग में अगर वीकनेस कंटिन्यू रहती है, और मुझे लगता है कि इतनी जल्दी सेंटीमेंट्स इंप्रूव होने वाले नहीं है भंसाली इंजीनियरिंग में। प्रकाश इंडस्ट्रीज द थर्ड वन काउंटर, फिर अगेन 7% डाउन हुआ है, कुछ 8% डाउन हुआ था अभी अपने ED की खबर आने के बाद, ठीक है, उसके बाद आज फिर लगभग 7% डाउन, तो 15% डाउन हो चुका है ये पिछले दो दिन के अंदर। और अगर हम देखेंगे भंसाली इंजीनियरिंग का वीकली ट्रेड, तो दोस्तों यहाँ वीकली ट्रेंड क्या कहता है, वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है
वो बियर स्टेंट ही है इसका। और ये बियर स्टेंट कब से स्टार्ट हुआ था, जब इतने 277 का हाई टच किया था, और हमने इसको कब सजेस्ट किया था आपको, हमने इसको 152 पर सजेस्ट किया था आपको। सितंबर से अक्टूबर के बीच में प्रकाश इंडस्ट्रीज हमने आपको 152 के टारगेट पर 137 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ सजेस्ट किया था। उसके बाद काउंटर ने 271 का लेवल हिट किया, 277 का लेवल हिट किया, एंड वहां से इसने एक रिवर्सल पैटर्न को स्टार्ट किया। यानी कि हमारे बताए हुए लेवल से लगभग 80% का अपमूव काउंटर ने मात्र 4 महीने के अंदर ही दे दिया था, एंड वहां पर प्रॉफिट टेकिंग बनती थी, बट अनफॉर्चुनेटली लोग फंस गए। हायर लेवल पर लोगों ने परचेस किया, 250 पर परचेस किया, किसी ने 230 पर परचेस किया, किसी ने 270 पर परचेस किया, एंड नाउ तक, और उसके बाद भी विदाउट स्टॉप लॉस लोगों ने परचेस किए, नो प्रॉपर स्टॉप लॉस। आई ऑलवेज सजेस्ट नो ट्रेड विदाउट एनी स्टॉप लॉस। अगर आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करनी है, स्टॉप लॉसेज आप जरूर मेंटेन कीजिए, चाहे वो आप 5% का रखते हो, चाहे वो 10% का रखते हो, वो आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट विदाउट स्टॉप लॉस नो ट्रेड शुड बी इनिशिएटेड। ओके, नाउ अब जो लेवल है मुझे लगता है वो 70 रुपीज़ में आपसे कहूँगा मेजर सपोर्ट जोन है। 70 रुपीज़ के नीचे अगर काउंटर ने माइनर सी भी क्लोजिंग दी वीकली चार्ट पे, तो सीधे 50-52 के आसपास ये काउंटर चला जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ से मुझे रिवर्सल आना चाहिए, जो कि हमारा ट्रेंड लाइन इंडिकेशन कर रहा है, यानी कि बॉटम साइड में आ चुका है। इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है यहाँ से एक रिवर्सल आना चाहिए। और अगर हम लोग इचिमोकू क्लाउड में देखते हैं, तो इचिमोकू क्लाउड भी कहता है कि काफ़ी ओवरशॉट जून के अंदर है, और यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बनता है। एंड जो भी आप डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन ये सोच के लेंगे कि अगर आप 75-80 या 70 पे ले रहे हैं, बाई भी कर रहे हैं इस लेवल पर रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन में, तो 70 रुपीज़ विल बी द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द वीकली कैंडल। अगर रिवर्सल आया तो नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा नंबर वन, लगभग 100 रुपीज़ का डेफिनेटली ये पकड़ सकता है। एक अपसाइड डायरेक्शन जब स्टार्ट होगा तो इसका एक बुलिशनेस स्टार्ट होगा, बट दैट विल बी वेरी ग्रेजुअली। एकदम आप रॉकेट वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रकाश इंडस्ट्री रिकवर करेगा अगर 70 को इसने अपना बेस बना लिया। और नहीं बना पाया 70 को अपना बेस, तो ये 58-55 तक के लेवल भी पकड़ सकता है। सो गाइस, ये हमने 3 स्टॉक के बारे में अपनी राय मशवरा व्यक्त किया आपके साथ। कोशिश करते हैं कि आप लोग इन तीनों ही स्टॉक्स में अपनी एनालिसिस भी करेंगे, समझदारी से जो भी आपका निवेश है उसको चेक करेंगे, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आप मैनेज करेंगे, और उसके बाद जो भी सही डिसीजन होगा, जो भी आपके हित का डिसीजन होगा, वो आप ज़रूर लेंगे, समय रहते लेंगे। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ और नए रिव्यूज़ के साथ। तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ। आपके कुछ क्वेरीज हों, आप कुछ स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हो, तो यूट्यूब के वीडियोज़ में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके काउंटर्स को पिक करूँगा, उनके रिव्यू वीडियोस तैयार करूंगा। जल्दी ही हम लोग समरिया कंज्यूमर और ऊर्जा ग्लोबल पर भी वीडियोस को री अपलोड करने वाले हैं, और आपको उन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको उनमें मिलेगा। सो दोस्तों, जल्दी मुलाकात करता हूं, अभी मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।